हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देविका। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मेरे हाथ में है ये क्लिंजोल जेल। एंड आज का जो वीडियो है ये पिंपल रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाली हूँ। एंड अगर आप बॉय हो या गर्ल हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, लाइक अगर आप कुछ पिंपल फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम है पिंपल की, एंड यस बहुत लाइक ट्राई किया है, ये अप्लाई किया, वो अप्लाई किया, वर्क नहीं किया है, तो सबसे बेस्ट है कि आप क्लिंजोल जेल अप्लाई करिए। इसका सोप भी अवेलेबल है मार्केट में, एंड इसे ये आपको बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो इस तरीके से ये ट्यूब आती है एंड 15 ग्राम आपको मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी दी गई है, आई होप यू कैन सी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट दी गई है। इसके पीछे इसमें क्या क्या है इसका सब कुछ लिखा गया है। मैं जूम कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर है क्लिंडामाइसिन, निकोटिनमाइड है, एलोवेरा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसे किसी भी एज की हो, आप लाइक टीनेजर हो, तो उस टाइम में तो हमें काफ़ी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसका सोप भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके फेस पर छोटे छोटे दाने हैं, बॉयल्स छोटे छोटे हो जाते हैं, या पिंपल्स है, कील, मुहासे, जो भी है, तो उसे रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये जेल। अगर आप कोई अच्छी क्रीम या जेल पिंपल के लिए देख रहे हैं जो डार्क स्पॉट, दाग धब्बों को भी साथ में पिंपल के साथ जड़ से उखाड़ दे, तो ये बेस्ट वर्क करता है एंड आसानी से मिल भी जाता है। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो मेक श्योर आप इसे अप्लाई करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर ले या पैच टेस्ट कर ले, किसी से जानकारी ले ले, तो ये काफ़ी अच्छी वर्क की है मेरे स्किन के लिए। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इसने लाइक काफ़ी हद तक मेरे पिंपल्स को रिमूव करने में, ख़त्म करने में दाग धब्बों के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो यही मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इस जेल को आसानी से बिंदास यूज़ करिए, लाइक या ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी आप कंसल्ट कर लेना अगर आपको फिर भी डाउट है तो, इसे आपको अप्लाई कब करना है और कैसे करना है। तो अगर आपको पिंपल काफ़ी है, तो मेक श्योर आप सबसे पहले अपने फेस को ज़्यादा स्क्रब ना करें, काफ़ी हार्श फेस वॉश यूज़ ना करें। या तो आप कोई नीम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, या तो गुड वाइब्स का जो पपाया का फोमिंग फेस वॉश है जो कि काफ़ी माइल्ड होता है, वो यूज़ करिएगा, जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है, वो भी डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है गाइस, तो उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में, आप ज़रूर चेकआउट कर लेगा, काफ़ी हेल्पफुल है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। purple.com में आपको आसानी से मिल जाएगा, बॉय गर्ल्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, इसका एप्लीकेशन आपको अगर वर्किंग हो तो आप ऑब्वियसली रात में ही करोगे, क्योंकि आपको रात में ही टाइम मिलेगा, और इसे अप्लाई करने के बाद आपको धूप में नहीं जाना है, इसलिए रात टाइम बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप इसे अप्लाई करके सो सकते हैं। तो मेक श्योर इसे अप्लाई करने से पहले आपका फेस अच्छे से आपने वॉश कर लिया, देन इसे क्लीन फिंगर के हेल्प से आपको अप्लाई करना है। तो देख लेते हैं, ये है जेल फॉर्म में, इस तरीके से है, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है ऐसे जेल फॉर्म में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मेक श्योर आपकी जो फिंगर हो वो क्लीन हो, तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। अगर आपने एक पिंपल पे अप्लाई किया है, तो वही फिंगर से आपको अप्लाई करना नहीं है, वो गलती मत करना, आपको दूसरे फिंगर पे लेना है उसे एंड फिर अप्लाई करना है दूसरे पिंपल के ऊपर, इस तरह अप्लाई करना है, रब नहीं करना है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दीजिए, वो अपना काम खुद ही करेगा। हल्का हल्का आपको पिंपल के ऊपर ठंडा ठंडा लगेगा, एकदम स्लाइट, लाइक फॉर 5-10 सेकेंड्स आपको लगे ठंडा, बस उतना ही आपको लगने वाला। एंड मॉर्निंग में आपको क्या करना है, एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना है, उससे क्लीन कर लीजिए अपने फेस को। एंड मेक श्योर आप अपने फेस का टॉवल अलग रखें, बॉडी का टॉवल आपको फेस पे अप्लाई यूज़ नहीं करना है। एंड ये जेल काफ़ी इफ़ेक्टिव है, विद इन 3 डेज आपकी पिंपल्स को बोलते हैं ना दाग धब्बों के साथ निकाल देती है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये अप्लाई करने के बाद जो आपका पिंपल है वो ड्राई आउट भी हो जाता है एंड वो
पील ऑफ हो जाता है, लाइक जो भी डार्क स्पॉट होता है ना वो उसे पील कर देता है, तो बहुत ही अच्छा है, पूरी तरीके से ड्राइड हो जाता है एंड वहाँ पे आपको पिंपल वापस नहीं आएगा। तो इसे बार बार अप्लाई ना करें, एक बार लाइक आपका पिंपल रिमूव हो जाए विद इन, पील ऑफ हो गया तो आप इसे वापस से वहाँ पे अप्लाई बिल्कुल भी ना करिएगा। एंड यस, ये गोरे होने की क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं यार ये गोरे होने की क्रीम है, इसे गोरे होने के लिए अप्लाई करते, गोरे होने की नहीं है। मैं बता देती हूँ, लाइक अगर किसी को नहीं पता है तो जो टीनेजर्स होते हैं वो लाइक मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई ऐसी गोरे होने की क्रीम है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक पिंपल की जेल है। इसका सोप भी आता है, हाँ सोप आपको लाइक 1-2 स्किन टोन थोड़ा बहुत गोरापन दे देगा, लेकिन ये जेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ पिंपल्स के लिए है। एंड या तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो मैंने जो शेयर किया है पिंपल रिलेटेड। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत केयर करिएगा। एंड यस, फेस के लिए डिफरेंट टॉवल यूज़ करिएगा एंड बॉडी के लिए डिफरेंट टॉवल, तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो फ्रेंड्स, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड या बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, नहीं तो मिस हो जाएगी अगर आपने ऑन नहीं किया तो। एंड या कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा है, हेल्पफुल रहा है कि नहीं रहा है, एंड ये कौन कौन यूज़ कर रहा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, टेक केयर।